अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक खोखर और मैं आप सबके लिए जालमी टीवी पे लाई हूं एशिया कप 2023 की ट्रांसमिशन फ्रॉम जालमी टीवी, जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस और ओपिनियंस लेंगे हमारे बहुत ही स्पेशल पैनलिस्ट से। हमारे जो पैनलिस्ट होंगे वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दे विल आल्सो बी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो हमारे पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों कंट्री से, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड एंड अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक जो एशिया कप 2023 इस दफा हो रहा है उस पे। सो डू स्टे ट्यून्ड। आज हम चलते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओपनिंग मैच था एशिया कप का, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के बारे में। और हमारे जो पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं 5 टॉकिंग पॉइंट्स में इस वक्त, वो पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। नोबडी कैन फॉरगेट हिज वंडरफुल स्पेल्स इन द 2011 एंड 2015 वर्ल्ड कप। साथ में वो ऑफ कोर्स पेशावर जलमी का भी हिस्सा है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन अभी भी वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं और पेशावर जलमी का हिस्सा है। इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो सर्विंग एज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इट इज द वन एंड ओनली वहाब रियाज। वहाब भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you so much, Mayak. Thank you so much. Hope you're doing well. Thank you. I am well. And हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, वो हैं इंडिया के काफी बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ। We were able to get him from India. It is Mr. Rahul Rawat. Thank you, Rahul, so much for joining us. Thank you, Mayak. Thank you. Thank you for having me. Okay, so let's move forward. अभी हमारे शो का जो नाम है, वो है 5 Talking Points. तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे जो ओपनिंग मैच था एशिया कप का, हमें पता है जो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। फैंस वर वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं स्पेशली। तो वहाब भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जो आपको क्या लगता है कि इस मैच में सबसे जो स्टैंड आउट 5 टॉकिंग पॉइंट थे, वो कौन से थे आपके ख्याल में? देखिए मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट पाकिस्तान विल विन अगेंस्ट नेपाल, यू नो नेपाल इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स। तो एक तो पाकिस्तान को वो एडवांटेज था, अगेन द मैन हु इज वेरी रिलायबल बाबर आजम, आप लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रन करेगा, उसने स्कोर किया। द बेस्ट थिंग वॉज के जिस तरीके से इफ्तिखार ने आके इनिंग्स खेली और ही स्कोर हिज सेंचुरी, आई थिंक दैट वॉज अमेजिंग टू। वो रन चाहिए थे एट दैट रिक्वायर्ड मोमेंट, और पाकिस्तान में काफ़ी देर से मिडल ऑर्डर का एक इशू जो है वो चल रहा था, बट आई थिंक फॉर टुडेज गेम आई थिंक इफ्तिखार वॉज वंडरफुल। फिर उसके बाद शाहीन एज ऑलवेज नए बॉल के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पैक्टफुल प्लेयर। फिर शादाब, उसका फॉर्म में होना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि एज अ लीडिंग स्पिनर यू डिपेंड अ लॉट ऑन हिम। जो आई थिंक जो एक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस आई विल से इज के पाकिस्तान टीम के 2 रन आउट हो गए नेपाल की टीम के अगेंस्ट, व्हिच आई फील लाइक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ क्राइम, क्योंकि ऑब्वियसली नेपाल को यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी अ गुड फील्डिंग साइड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द वे दे हैव प्लेड और जिस तरीके से दे हैव पुट द प्रेशर और मेंटेन द प्रेशर टिल द 38th ओवर टू पाकिस्तान, तो उसको उसका क्रेडिट उनको जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। आपने बात की नेपाल की कि वो इस वक्त आई वुड से रिलेटिवली इंटरनेशनली इनएक्सपीरियंस टीम है। तो राहुल, डू यू एग्री विद द पॉइंट्स जो वहाब ने किए कि यू नो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, कि बाबर आजम ने जो अपनी ब्रिलियंट 151 की सेंचुरी की स्कोर, उसके साथ जो इफ्तिखार अहमद थे उन्होंने भी 109 स्कोर किए पाकिस्तान के लिए, एंड जो ओवरऑल हम मैच की बात करें तो जो वहाब भाई ने इस वक्त डिस्क्राइब किया, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट्स? बिल्कुल, मैक वहाब भाई ने जैसे बताया, ये जो ज्यादातर बॉक्सेस थे पाकिस्तान ने आज टिक करे हैं, उनकी गेंदबाजी पे कभी कोई शक नहीं था। बोलिंग अटैक पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हर कोई जानता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। शाहीन शाह अफरीदी के विकेट्स हैं, नसीम के विकेट हैं, हैरिस के विकेट हैं, उसके बाद शादाब और नवाज के भी विकेट है, वो सारे बॉक्सेस टिक हो गए। बाबर आजम एक बड़ा टूर्नामेंट, और एक मैं तो कह रहा हूँ अगले 3 महीने जो है ये लेगेसी डिफाइन करेंगे बाबर आजम की, एशिया कप उसके बाद वर्ल्ड कप एज कैप्टन। सही वक्त पर बड़े रन आए, पर ऐसा नहीं था कि बाबर आजम के पहले रन नहीं आए थे, उन्होंने अफगानिस्तान के बोलिंग अटैक के सामने 2 बैक टू बैक 50 बनाए, 2 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। पाकिस्तान को ये चाहिए था कि उनके टॉप ऑर्डर से रन आए। फकर जमान उनकी कंसिस्टेंसी पे एक हमेशा सवाल रहता है, अगर वो आज शुरुआत जब उन्होंने करी अच्छे दिख रहे थे, पर उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, आउट हो गए।
इमाम की अगर हम बात करें, इमाम का स्ट्राइक रेट का हमेशा एक बातचीत लगी रहती है कि इमाम का स्ट्राइक रेट इशू है, वो भी कंटिन्यू कर पाए। बाकी रिजवान का रनआउट वो होता है थोड़ा एक बैड लक कह सकते हैं, हालांकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे जिस हिसाब से वो भाग कर आ रहे थे। तो पाकिस्तान ने ज्यादातर बॉक्सेस जो है टिक कर, प्लीज जब वो अगले मैच के लिए जाएंगे उनको पता है कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर, आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो था उनके लिए आज इफ्तिखार थे। इफ्तिखार डेफिनेटली, अगर हम बात करें इफ्तिखार अहमद की, तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो हमेशा वाज कंपैरेटिवली सीन एज द वीकर साइड, हमेशा कोई ना कोई ढूंढ रहे थे कि उस डिपार्टमेंट को फिल इन कर सके पाकिस्तान के लिए। तो वहाब, आपको लगता है कि इफ्तिखार अहमद वो परफेक्ट प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए, जो उनके मिडिल ऑर्डर को जिन्होंने उनको तगड़ा कर दिया, वो उन पर रिलाई कर सकते हैं कि जब प्रेशर की बात है वो प्रेशर अंडर प्रेशर भी डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, इफ़ आई गो ऑन द स्टैट्स, तो इट इज़ वेरी सिंपल के इफ्तिखार अनडाउटेडली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आई वुड सजेस्ट मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान के पास इस वक्त है, बट कंसिस्टेंसी हैज़ ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम। और शॉर्टर फॉर्मेट में इफ्तिखार ने रिसेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बट वेन इट कम्स टू 50 ओवर्स, लिमिटेड ओवर्स, तो यू नो यू हैव टू प्ले द सिचुएशंस, एंड द क्रेडिट गोज टू हिम द वे ही हैज़ प्लेड द सिचुएशन टुडे। बट इफ़ वी सी ओवरऑल, इवन जो लास्ट सीरीज अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हुई है, उसमें इफ्तिखार इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। इट विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट आई थिंक स्टिल देर इज अ गैप विच हैज टू बी फिल्ड इन द मिडिल ऑर्डर, एंड आई थिंक ही हैज दैट कैपेबिलिटी, और उसमें वो यू नो वो है, पोटेंशियल है, बिकॉज यू नो यू नीड समबडी जो नंबर 6 पे आए और आके यू नो एग्रेसिव खेले, फास्ट बॉलिंग विल बी एट इट्स बेस्ट, और ऑब्वियसली स्पिनर्स का भी उसका जो टाइम होता है वो बड़ा पीक टाइम होता है, वेदर यू कम इन एंड यू हैव टू फिनिश द गेम इन द लास्ट 4-5 ओवर्स और वेदर यू हैव टू कम अर्ली लाइक व्हाट ही हैज डन टुडे, सो एवरी मैच विल गिव हिम दैट एक्सपीरियंस, बट आई थिंक ही इज अ गुड कंटेंडर फॉर द मिडिल ऑर्डर। बट आज इस तरीके से उसने खेला, अगर वो कंसिस्टेंटली वैसे खेलता रहे तो आई थिंक ये वाला मसला हल हो सकता है। राहुल, क्या आप अग्री करते हैं वहां आपकी बात से कि जो इफ्तिखार अहमद है उनको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है ताकि वो पाकिस्तान के लिए और मजबूत और रिलायबल हो सके इन दैट मिडिल ऑर्डर? और अगर मिडिल ऑर्डर में कोई और है जो आपको लगता है उनका साथ दे सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, तो आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में कौन हो सकता है? देखिए वहाब भाई, पहले तो मैं वहाब भाई की बात से अग्री ना करना मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट पे बात करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं और खेल चुके हैं और अच्छी खासी उस लेवल की क्रिकेट खेली है, बट फिर भी ये बात बिल्कुल, और बट लोअर मिडिल ऑर्डर पे ना, जैसे वहाब भाई ने भी कहा कि पीछे अफगानिस्तान के साथ बहुत रन नहीं आए थे, तो कभी कभार ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आप कह लीजिए बर्डन डाल देता है आपके टॉप ऑर्डर पे। अब इमाम हो गए या बाबर हो गए, कभी कभार उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल होता है। ये हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ है कि जो टॉप ऑर्डर होता है ना, कहा जाता है कि यार वो रन तो बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बनाता नहीं है। तो कभी कभार ये होता है कि आपका जब लोअर मिडिल ऑर्डर फॉर्म में ना हो, आपको उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, तो आपका स्ट्राइक रेट जो है, हो सकता है कि टॉप ऑर्डर वो लंबा खेलने की सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं एंड तक ले जाऊं, तो और उस हिसाब उसकी वजह से ये होता है स्ट्राइक रेट हो सकता है आपके टॉप ऑर्डर का थोड़ा वो फर्क पड़ सकता है उस पे। रहा सवाल लोअर मिडिल ऑर्डर पे, आई थिंक ये सबसे बड़ा सवालिया निशान था पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर पे, जहां पे कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में हम लोग कह रहे थे कि यार हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है ना, उस पे यह पता नहीं है कि इंजरीज, श्रेयस अय्यर का क्या हाल है, केएल राहुल का क्या हाल है, वो वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, 4-5 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने। तो इफ्तिखार का और लोअर मिडिल ऑर्डर पे जो भी बैटर होगा उसकी कंसिस्टेंसी पे तो सवाल होगा। देखिए, क्योंकि आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, कल को आपको बोला जाए भाई 25 बॉलें रह गई हैं, आपको मैच जिताना है, आपको 45 रन बनाने हैं, 50 रन बनाने हैं, तो किसी दिन वो बनाएंगे, किसी दिन नहीं भी बनाएंगे, बट इम्पैक्टफुल इनिंग्स होनी चाहिए आपकी, वो मैटर करता है। और इफ्तिखार जो है वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, आपको याद होगा जो आखिरी मैच हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेला था 2022 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में, उसमें पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, वहाब रियाज आते हैं, माफ कीजिएगा, इफ्तिखार आते हैं और वो अक्षर पटेल को वो जो 3 छक्के मार देते हैं, वहां से गेम पलट गया। पाकिस्तान के पास वो स्कोर आ गया था कि जहां पे वो सिर्फ लड़ नहीं सकते थे, वो मैच जीत सकते थे, और उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। ये हमने डेफिनेटली देखा तो है कि उनकी फाइटिंग एबिलिटी, वो कभी गिव अप नहीं करते, वो फाइट करते हैं टिल द वेरी एंड, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है।
उनकी अच्छा वहाब भाई बात करते हैं अब हम बॉलर्स की, शदाब खान हो गया, हमें पता है कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो बहुत तगड़ा है, जो उनके उनका ट्रियो पेस अटैक है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह का, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही आई वुड से बहुत मजबूत है उनके उनका। तो अगर हम बात करें शादाब खान की, तो जो पिच है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की, वो हमने देखा है कि पास में भी स्पिनर्स को काफ़ी सूट करती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल है स्पिनर्स के लिए। तो आपको लगता है कि आज जो शादाब ने हमें परफॉर्मेंस दी 4 विकेट्स लेके, क्या वो आप कहेंगे कि वो पिच का साथ था, या आपको लगता है कि वो इनफॉर्म में है कि वो किसी के अगेंस्ट भी अगर मैच खेल रहे हो या किसी भी ग्राउंड में खेल रहे हो तो वो ऐसा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके दे सकते हैं? ठीक है, शायद आपको हमने देखा कि रिसेंटली जो वनडे क्रिकेट है उसमें उसने ज़्यादा विकेट्स नहीं ली थी। अगर हम उसका पिछला कुछ मैचेस निकालें तो उसमें शादाब इतनी उसको जो आज 4 विकेट मिली है उससे पहले उसको इस तरीके से नहीं मिली। देखिए, एक तो ओपोनेंट का फ़र्क था, सिचुएशन का फ़र्क था, 300 प्लस रन चेस कर रहे थे, और ऊपर से ऑब्वियसली नए बॉल पर जब आपके फास्ट बॉलर जो है वो आउट कर देते हैं तो प्रेशर जो है वो नीचे जो बॉलिंग अटैक होता है उसके ऊपर बहुत कम या स्पिनर्स के ऊपर बहुत कम हो जाता है। पॉजिटिव ढूंढना चाहिए हर एक चीज़ में से, वो पॉजिटिव ये था कि जिस लाइन और लेंथ के साथ शादाब ने बॉलिंग किया दैट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि उसका बॉल उसके हाथ से कैसे गिर रहा है, क्या वो जगह पे ज़्यादा गिर रहा है, क्या वहाँ पे उसकी टर्न मिल रही है, क्या वो कंडीशन से अच्छा फ़ायदा उठा रहा है। तो ऑब्वियसली फॉर मी शादाब के लिए ये मैच इज विल बी अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से अब आपने जा रहा है श्रीलंका खेलने, और श्रीलंका में भी हमने देखा है कि अभी रिसेंटली जो सीरीज थी अफगानिस्तान की वहाँ पर भी बॉल टर्न और ग्रिप कर रहा था। तो कोई भी स्पिनर है या कोई भी बॉलर हो जिसके पास जिसने आउट किया हो मैचेस में तो उसका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। नेपाल के साथ जो हमारा स्टार्ट था उसमें जो चीज़ें रिक्वायर थी पाकिस्तान टीम को, जो थोड़ी सी लैग करी थी उस पर आज सबको जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर आई थिंक उस पर काम हो गया है और उससे फ़ायदा होगा इनको। तो राहुल, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने अभी कुछ मैचेस जो खेले थे अफगानिस्तान में, उससे पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेली थी श्रीलंका में और फिर अभी ओडीआई अफगानिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका में, तो अब जो उनके बाकी मैचेस श्रीलंका में होंगे तो ऑब्वियसली आप जो कंडीशंस हैं उनके साथ अक्लाइमेटाइज हो जाते हो, पिच के साथ आप उसको यू नो यू अंडरस्टैंड इट बेटर, डू यू थिंक दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड प्लेइंग द रेस्ट ऑफ द मैचेस? डेफिनेटली मैक, इनफैक्ट आई थिंक पाकिस्तान को जो प्रिपरेशन चाहिए थी ये उनको मिली है, फिर चाहे वो श्रीलंका में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हो या फिर लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम थे, रिजवान थे, वहाँ के सारे बड़े प्लेयर आए हुए थे, उसके बाद आपने एक अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, अब एशिया कप भी खेल रहे हैं, और उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप खेलना है वो भी आपने सब कॉन्टिनेंट विकेट्स में ही खेलना है, और इंडिया और श्रीलंका में विकेट्स देखिए तकरीबन आपको सेम मिलेगा, मौसम भी एटलीस्ट कुछ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको सिमिलर मौसम भी मिलेगा वेदर। बस ये है शादाब की जहाँ बात कर रहे थे, शादाब की ऑफ लेट जैसे वाह भाई ने भी बताया बहुत ज्यादा विकटे नहीं है, बट बड़े मैच में बड़े जब वर्ल्ड कप हुआ आपकी वो सक्सेस, आई थिंक शादाब इज अ यूटिलिटी क्रिकेटर, आप उन और मैं मानता हूँ सबसे रिलायबल प्लेयर पाकिस्तान टीम में शादाब ही है, फिर चाहे आप बॉल से, जिस दिन वो बॉल से नहीं करेंगे उस दिन बैट से कर देंगे, जिस दिन बैट से नहीं करेंगे उस दिन फील्ड से कुछ ऐसा कुछ कर देंगे कि कुछ मैच का रुख बदल जाए, तो वो सब चीजें हैं। बस देखना ये है कि अब देखिए जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा है, अब आप श्रीलंका जाएंगे कैंडी में, जैसे हम अगला मैच उनको इंडिया के साथ खेलना है, वहाँ पे बारिश के फिलहाल मौसम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बताया जा रहा है, वहाँ पे बारिश का होना ये है कि मौसम बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे रिस्क स्पिनर कितना कामयाब हो सकता है वो उसका एक्सपीरियंस उसका कंट्रोल बताएगा। तो शादाब के पास वो एक्सपीरियंस तो है, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप भी इंडिया में खेलना है, आप चेन्नई में खेलेंगे, कोलकाता में खेलेंगे, और जो वेन्यूज हैं आप वहाँ पे खेल रहे हैं, 5 वेन्यूज हिंदुस्तान में, हैदराबाद में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखना होगा जब ड्यू फैक्टर को कैसे शादाब काउंटर करते हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि क्योंकि शादाब की सक्सेस विल समवे और द अदर विल इंपैक्ट पाकिस्तान सक्सेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इवन आई एग्री कि आई थिंक शादाब जो है, आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पाकिस्तानी टीम, उन्होंने हमें ये पास में भी दिखाया है अपनी परफॉर्मेंसेस पे, उन्होंने डिलीवर किया है जब मैटर करता था पाकिस्तान के लिए, एंड स्पेशली यू नो इन एवरी डिपार्टमेंट, फील्डिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए। अच्छा वहाब भाई बताएं कि जिस तरह हमने देखा आज इमाम उल हक और फखर जमान की परफॉर्मेंस थी, उनको काफी
they weren't able to get suited on the pitch with that wicket. They were quite stuck. उन्होंने कोशिश की लेकिन फंस गए. नेपाली वो भी जो नेपाली बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट फंस गए. तो आप मुझे बताएं कि अब मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली उनके कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट हुआ होगा इस परफॉर्मेंस के बाद. तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों को क्या करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे जो ओपनिंग बैटर्स है और हमारा जो ओपनिंग पेयर है हमें पता है कि व्हेन दे आर इन फॉर्म और जब वो उन्होंने हमारे लिए पहले अच्छा डिलीवर भी किया हुआ एक साथ. तो आपको क्या लगता है कि अब इस एशिया कप में मूविंग फॉरवर्ड जो अगला मैच इंपॉर्टेंट आ रहा है इंडिया के अगेंस्ट, उनको क्या डिफरेंटली करना चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है कि इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं. आई डोंट फील कि इट इज़ समथिंग टू यू नो रियली यू हैव टू बी स्केयर ऑफ. ये इमाम और फ़खर की जहाँ तक आपने बात की, फ़खर इज़ समबडी हु इज़ वेरी एक्सप्लोसिव एंड आई थिंक ही हैज़ गॉट द लेसन्स कि वो जाके स्कोर करे. और वी हैव सीन के बड़े मैचों में, इंपॉर्टेंट मैचेज में फ़खर हैज़ ऑलवेज डिलीवर, मोस्टली ही हैज़ डिलीवर्ड. इमाम की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इमाम वॉज प्लेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिज नेचर इज टू प्ले इन द ओडीआईज. एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप देखेंगे कि जब भी इमाम, फ़खर और बाबर में से कोई रन्स करता है टॉप थ्री में से स्पेशली, और अगर मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है टॉप थ्री की, तो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू स्कोर 300 plus runs. जब ये तीनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है यू विल हार्डली सी कि हम 10 मैचों में से किसी एक मैच में शायद हमने 300 किया, अदरवाइज हम लोग 260 और 250 और 270 के अंदर ही रहते हैं. मूविंग ऑन, मेरा नहीं ख्याल जीतने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. इमाम हैज़ बीन मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान इन ओडियाज, बाबर और इमाम. तो एक आधे मैच में अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दो नए बॉल होते हैं, मुश्किल होता है स्पेसिफिकली ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना जिनकी पेस ना हो, स्विंग ज़्यादा हो, बॉल थोड़ा सा मूव करता हो, तो कोई भी ओपनिंग बैट्समैन है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर करता है. एंड आई थिंक इट वॉजन बैड टू टेक सम टाइम ऑन, बट ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो फिर आप एज अ व्यूअर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये प्लेयर्स थोड़ा लंबा खेलेगा और लंबा जाएगा और ही विल स्कोर रन्स. सो आई थिंक ये जो तीन ट्रियो है पाकिस्तान के, जो तीन ओपनिंग मेन प्लेयर्स हैं, ये इवन के इंडिया के मैच की भी अगर हम बात कर लें तो अगर ये तीनों इंडिया के मैच में रन्स करते हैं तो यू कैन ऑल्सो सी देम स्कोरिंग राउंड अबाउट 300 रन्स. और इंडिया की टीम अनडाउटेडली अच्छी है, लेकिन फिर भी द प्रेशर इज ऑलवेज देयर किसी भी टीम के ऊपर कि जब 300 के ऊपर 300 करना पड़ता है तो कोई भी टीम हो उसके ऊपर इस चीज का प्रेशर जरूर रहता है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास नए बॉल की जो बॉलिंग है दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपैक्टफुल. सो अच्छा कंपटीशन होगा आई फील लाइक है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा. अच्छा वहाब है, मुझे ये बताएं कि जो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी स्केयर है व्हिच इज इन द बैक ऑफ एवरीबॉडीज माइंड, हमें पता है कि वो रिसेंटली ही वापस आए थे अपनी इंजरी से. उन्होंने खुद कहा कि मैं ये टेस्ट सीरीज खेलना चाहता हूँ श्रीलंका के अगेंस्ट. ही वाजंट मेंट टू प्ले इट बट ही सेड ही वांटेड टू प्ले इट हिमसेल्फ. उन्होंने, हमने देखा भी है, उन्होंने अच्छा डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए टेस्ट में भी, ओडीआईज में भी. लेकिन हमें पता है कि ये लॉन्गर फॉर्मेट जो क्रिकेट के हैं उसमें आपका थोड़ा वो स्केयर आ सकता है इंजरी का. तो आप दोनों मुझे बता दें जल्दी से, अगर आप मुझे बता दें कि आप लोगों का क्या, आप लोगों की क्या राय है रिगार्डिंग शाहीन एंड हिज इंजरी स्केयर? वहां भी आप पहले बता दें, देन राहुल यू कैन टेल मी राइट आफ्टर. देखिए मैं, आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल. आई नो ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय और ही ऑलवेज वांट टू डू गुड फॉर द टीम. टीम प्लेयर है. और देखिए मैं आपको बताऊं, एज अ फास्ट बॉलर, बिकॉज आई हैव प्लेड क्रिकेट सो मच, सो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एनी फास्ट बॉलर हु वांट्स टू प्ले लॉन्गर फॉर्मेट विल बी मोर इंपैक्टफुल इन हिज इज इन क्रिकेट करियर. क्योंकि जो लंबी बॉलिंग है वो आप जो जितनी आप बॉलिंग करते हो उतना आप सीखते हो, और जो लंबी बॉलिंग करता है वो ज़्यादा सीखता है. एंड देखिए द बेस्ट पार्ट इज़ कि आजकल अगर आप देखें दुनिया में वेयर देयर इज अ यू कैन सी अ कल्चर ऑफ मोर फ्रेंचाइज क्रिकेट वेयर यू डू यू हैव टू प्ले T20 क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड यू आर गेटिंग पेड सो मच फॉर दैट. और उसके बावजूद इफ योर समबडी लाइक शाहीन शाह इज कमिंग एंड आस्किंग यू दैट आई वांट टू प्ले द टेस्ट सीरीज एंड आई वांट टू प्ले इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान टीम. आई थिंक शाहीन क्या, हारिस क्या, नसीम क्या, एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, इफ दे विल प्रेफर प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट मोर और दे विल प्ले लॉन्गर फॉर्मेट, दैट विल डेफिनेटली गोना पॉलिश देयर स्किल्स एंड दे गोना मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. और
secondly, what I have learned all my life is the more you bowl in the nets or more you bowl in the, with a wet ball, trust me, aapki bowling speed, aapke muscles, har ek cheez, they start working in the right direction. So I am not worried about Shaheen Shah Afridi. I think he has really come back stronger, and he is somebody who always want to do good. So wo Pakistan ke liye is always a positive sign. बहुत अच्छा, बहुत बड़ा asset है. Rahul, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि क्या ये इंजरी जो है can be a bit of a scare for him? Do you think कि उनकी बॉडी जो है वो फुली रिकवर कर चुकी है? Now he doesn't have to, you know, scare himself. Yeah, nobody has to be scared कि शायद, you know, he can, his body can collapse or maybe his injury can come back. What do you think about that? देखिए, वहाब भाई ने जो बात कही ना कि फास्ट बॉलर के लिए, ये हम अक्सर सुनते हैं, हर किसी भी फास्ट बॉलर से आप बात करें, वो हर कोई यही बोलेगा, जितना ज्यादा आप बॉल डाल रहे हैं आप उतना रिदम में आ रहे हैं, आपका बॉडी मसल्स जो है उस वैसे ही वो भी रिदम में आ रहा है, और वैसे आप बॉल भी डाल रहे हैं, आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाएंगे. आज इंजरी स्केयर जो हुआ वो एक छोटा सा एक डर था, जब पांच ओवर का स्पेल डालने के बाद, पांच ओवर भी मायने रखता है, हालांकि आज मुझे लगा कि शाहीन शाह अफरीदी फुल थ्रॉटल नहीं डाल रहे थे, बट उनका ये अगर वो अपनी 60-70% में भी ऑपरेट कर रहे थे, दैट वाज गुड इनफ फॉर शाहीन शाह अफरीदी टू पिक अप दोस कपल ऑफ विकेट्स इनिशियली. और शाहीन का एक ये है कि वो ना गुच्छों में बंच ही पिक्स विकेट्स इन बंचेस, मतलब उन्होंने आज देखिए एक विकेट लिया, उसके बाद दूसरा भी झटका वहीं पे दे दिया. उन्होंने आज जब ब्रेक भी लिया तो ये हुआ मामला ये था, वो बाउंड्री पे गए अपना स्पेल खत्म करके, उन्होंने टीम डॉक्टर फिजियो से बात करी, उन्होंने कहा कि अच्छा, उसके बाद वो वापस चले गए. बट आई थिंक इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ ओवर्स, आप तीन चार ओवर बाद वो वापस मैदान में आ गए थे और पांच ओवर डाले थे उन्होंने. इवन दो ही वेंट आउट, ही हैड ऑलरेडी बोल्ड फाइव ओवर्स ऑन द ट्रॉट. आप बहुत सारे तो आजकल तेज गेंदबाज हैं जो आपको दिखेंगे ही नहीं कि इतनी ओवर्स एक साथ उन्होंने डाले हो, तो ठीक है. मुझे आई थिंक वहाब भाई बेहतर बता पाएंगे, बट ये है कि आई थिंक उनको ये मैनेज करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि आपको इन सब फास्ट बोलर्स का वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर पोटेंशियली पाकिस्तान कैन प्ले सिक्स मैचेस हियर इन द एशिया कप, उसके बाद अगर आप फाइनल खेल रहे हैं, पाकिस्तान अगर फाइनल खेल रहा है, so they have to play around 11 matches in the World Cup. So 11 plus these 6 games. तो क्या आप 17 matches अपने fast bowlers को back to back खिलाएंगे? खिलाएंगे. So that they have to decide कि हमें कैसे इनको rotate करना है, कि अपने शाहीन को, नसीम को और even हारिस रॉफ को. Well, that is it from today's show. आपने देखा कि हमने काफी detailed analysis की थी हमारे special panelists वहाब रियाज और राहुल रावल के साथ पाकिस्तान और नेपाल का जो ओपनिंग मैच था एशिया कप में उस पर. तो आई रियली होप कि आप सबने ये हमारा डिटेल्ड एनालिसिस और उनके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट ओपिनियंस है वो एंजॉय किए होंगे. ये हम प्री और पोस्ट मैच शोज करेंगे हर पाकिस्तान के मैच के लिए जो एशिया कप में होगा. So if you guys enjoyed it, do watch these analyses on Zalmi TV. But that is all for today, and hope to see you all next time.